हेलो हाय, फेसबुक पे या नहीं? अच्छा, नमस्ते। मैं आज अपनी बातें कुछ शेयर करने आई हूँ। मैं प्रायः देखती हूँ कि किसी की अगर मौत हो जाती है ना, तो उसके मरने के बाद लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं कि अरे पहले बताया नहीं, बताते तो कुछ हल निकलता, कुछ तो करते, कुछ तो होता। ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है। आज आज वो पत्रकार आत्महत्या कर ली है, उस पर आप लोग सवाल कर रहे हो कि पहले कुछ हुआ होगा, बताई क्यों नहीं, बताती तो कोई तो कुछ तो मतलब सॉल्व होता उसका प्रॉब्लम। ये सब कहने की बात है, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री से पिछले कुछ महीनों से लगातार बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। वहीं 6 अगस्त को टीवी कलाकार समीर शर्मा के सुसाइड ने सभी को हैरान कर दिया, तो अब भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठक के सुसाइड करने की खबर सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी है। अनुपमा की बॉडी उनके मुंबई के दहिसर स्थित घर में फंदे पर लटकती पाई गई। महज 40 साल की अनुपमा मौत से एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लाइव आई थी और अपने फैंस से रूबरू हुई थी। खबरों के मुताबिक अनुपमा के फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने ये कदम उठाने के दो कारण बताए हैं। इस सुसाइड नोट में लिखा, मैंने एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मलाड की विजडम प्रोड्यूसर कंपनी में 10,000 रूपए निवेश किए थे। कंपनी को मेरे पैसे दिसंबर 2019 में वापस करने थे। कंपनी मेरा पैसा वापस करने में आनाकानी कर रही है। अनुपमा ने निधन से पहले आखिरी बार अपने फैंस से फेसबुक लाइव में बहुत सारी बातें शेयर की। उन्होंने कई उन बातों का जिक्र किया जो आमतौर पर लोग किसी के मरने के बाद करते हैं। उन्होंने वीडियो में बताया था कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो अब किसी पर भरोसा नहीं करती। आपको बता दें कि अनुपमा बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्म और टेलीविजन में काम किया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप कभी भी आजमा के देखो, आप खुद आजमा के देखो। ये पहली बात तो ये है कि ऐसे कदम लोग तब उठाते हैं जब हर तरह से थक जाते हैं, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और कोई वक्त पे आके खड़ा नहीं होता, मदद नहीं करता है। आप कभी किसी को आजमा के देखो, आप बोल के देखो कि हमारी ये प्रॉब्लम है और ये वजह है, इस वजह से हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, आप मेरे दोस्त हो तो इसकी रीजन मैं आपको बता के जा रही हूँ ताकि आप दुनिया को बता सको कि उसका रीजन ये है। देखिए आपको जवाब क्या मिलता है। आपको पता है, मैंने बहुत करीब से देखा है और समझा है इन बातों को, कि वो लोग ना जिसको आप अपना खास दोस्त समझ के बात शेयर करेंगे कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से हम ये करने जा रहे हैं, वो उसको सीधा ना लेके उल्टा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आप इसमें मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे क्यों सुना रहे हो, मुझे क्यों घसीट रहे हो, मैं फंस जाऊंगा अगर आपको कुछ हुआ तो ये सब बातें करने लगते हैं। वो एक वक्त के लिए ये नहीं सोचते हैं कि उसके मरने के बाद वही लोग दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता चलता तो मैं ये करता, मैं वो करता। जिसको आप बहुत खास दोस्त समझेंगे ना, वही दोस्त आपके ऊपर उंगली उठा देते हैं।